नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज लोग हम लोग इस क्लास में बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है प्लास्टिक से बचाव की चुनौती, यानी कि प्लास्टिक से संबंधित। और इसके जो संपादक हैं उनका नाम है विजन कुमार पांडे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्लास्टिक अब पारिस्थिति तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है, यह हमारे घर से लेकर समंदर तक का रास्ता तय करता है। हमारे घर से निकलकर समुद्र तक का, यानी कि समंदर तक का रास्ता तय करता है, लेकिन यह ना तो सड़ता है और ना ही गलता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है इसकी, कि यह ना तो सड़ता है ना ही गलता है। यही कारण है कि इसका प्रदूषण चरम पर है। इसकी पहुंच अब अंटार्कटिका तक हो गई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से अंटार्कटिका में हर साल 200 अरब टन बर्फ पिघल रही है। बर्फ के इस टुकड़ों के में प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं। ग्रीन पीस के सर्वे में यह भी पता चला है कि माइक्रो प्लास्टिक के छोटे कणों ने यहाँ की बर्फ को भी प्रदूषित किया है। जलवायु संकट के कारण यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र पहले से ही खतरे में है। प्लास्टिक ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के अंदर सिर्फ पहली बार माइक्रो प्लास्टिक मिला है। यह बात बायोलॉजी लेटर्स नाम के एक साइंस जनरल में छपी है। अंटार्कटिका के जीवों में प्लास्टिक पहुंचने से ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र पर और दबाव बनेगा, जो पहले से ही इंसानी दखलंदाजी और जलवायु संकट की परेशानियां झेल रहा है। अंटार्कटिका के जीवों में माइक्रो प्लास्टिक कैसे पाए गए, इसके लिए शोधकर्ताओं ने किंग जॉर्ज द्वीप समूह से लाए गए एक सिंथेटिक फॉर्म के टुकड़े की जांच की है, जो लंबे समय से वहां पड़े होने के कारण मॉस और लाइकन जैसे समुद्री जीवों से लिपटा था। इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक की मदद से इनमें से एक जीव के भीतर पॉलीस्टाइरीन से बने फॉर्म का अंश पाए गए हैं। वह जीव स्पैंग टेल के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैप्टोपाइगस अंटार्कटिकस है। यह सूक्ष्म जीव अंटार्कटिका के क्षेत्र में हमेशा बर्फ से ढके स्थान पर रहता है और लाइकेन व माइक्रो एल्गी को खाता है। ऐसा अनुमान है कि इसी भोजन के माध्यम से माइक्रो प्लास्टिक स्पेंगटेल के भीतर पहुंचा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लास्टिक इस रास्ते से अब अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जीवों के भीतर भी प्रवेश कर चुका है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक का सबसे छोटा कण होता है। इसका आकार 5 माइक्रोमिलीमीटर से भी छोटा होता है। दुनिया भर की नदियों और सागरों में इस समय करीब 15 करोड़ टन, कितना, 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला होने का अनुमान है। यह जब सागर की लहरों और परावैगनी किरणों के कारण टूट टूट कर बहुत छोटा हो जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है और समुद्री जीवों में पहुंच जाता है। दरअसल प्लास्टिक के बारीक कण हर जगह मौजूद हैं, यहाँ तक कि टूथपेस्ट के जरिए भी माइक्रोप्लास्टिक सीधे हमारे मुंह में पहुंच जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के सामान में भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा यह शहरों की सीवेज प्रणाली से होता हुआ नदियों और सागरों तक पहुंच जाता है, फिर पानी में घुला यह माइक्रोप्लास्टिक मछलियों के पेट का तक पहुंच जाता है। और 2017 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया कैलिफोर्निया की 25% समुद्री मछलियों में प्लास्टिक मिला है। यह आहार चक्र के जरिए इंसान तक पहुंचता है और नमक, जो रोज हमारे खाने का हिस्सा है, यह समुद्री पानी से ही बनता है, आपने देखा है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक यह साल हर साल 1.2 करोड़ टन प्लास्टिक महासागरों में जा रहा है। नमक के साथ यह माइक्रो प्लास्टिक हर किसी के पेट में पहुंच रहा है। यह इतना छोटा होता है कि हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि नल के जरिए सप्लाई होने वाले पीने के पानी के 80% नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। पीने के पानी में प्लास्टिक इस कदर मिलना बताता है कि प्लास्टिक हर जगह पहुंच चुका है। इसी पानी का इस्तेमाल खाना बना रहे और मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए किया जाता है। सिंथेटिक टेक्सटाइल से बने कपड़ों को जब भी धोया जाता है तो उसमें काफी ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक निकलता है। शोध से पता चला है कि 6 किलोग्राम कपड़ों को धोने पर 7 लाख से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक फाइबर निकलते हैं। सिंथेटिक टेक्सटाइल से महासागरों में रोजाना 35% माइक्रोप्लास्टिक पहुंचता है।
पानी और जलीय जीवों के साथ ही वैज्ञानिकों को शहद जैसी चीजों में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक के खिलाफ बनाई गई रणनीति में यह बात साफ कही है कि शहद में भी माइक्रोप्लास्टिक की अच्छी मात्रा, खासी मौजूद मात्रा रहती है। सड़कों पर दौड़ने से समय टायर वाले वाहन इसके बड़े स्रोत हैं। पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक सबसे ज्यादा टायरों के जरिए फैलता है। सड़क पर घिसते टायर बहुत ही बारीक माइक्रोप्लास्टिक छोड़ते हैं। यह हवा और पानी के संपर्क में आते ही पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक का जीवन काल बहुत लंबा होता है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के तहत हाल में गहरे समंदर से दूध वाला एक कंटेनर और एक प्लास्टिक का थैला निकाला और पाया कि 20 साल समंदर में रहने के बावजूद इनमें से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके घटकों में भी कोई गिरावट नहीं देखने को नहीं मिली है। इस शोध के नतीजे साइंस पत्रिका नेचर में छपे हैं। शोधकर्ताओं ने पहली बार ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसमें समंदर की तलहटी में 20 साल पुराना प्लास्टिक सही सलामत मिला है। वैज्ञानिकों ने इस प्लास्टिक का विश्लेषण करते हुए समय यह भी देखा कि इस इल पर लगे अलग तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद थे। ऐसे जीव समुद्र की सतह पर नहीं पाए जाते हैं। वैसे सूक्ष्म कीटाणु समंदर की गहरी सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र की सतह पर प्लास्टिक जमा होने से नई तरह की प्रजातियां पैदा हो रही हैं। प्लास्टिक का कचरा घटाने के लिए भारत ने पिछले साल एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी शुरू की थी। इसका लक्ष्य था कि वर्ष 2022 तक देश में एक बार उपयोग किए जा चुके प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इस समय भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत 11 किलोग्राम है, जबकि अमेरिका में 109 किलोग्राम है। भारत के एक उद्योग संगठन फिक्की द्वारा 2017 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत अमेरिका में ही है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में प्लास्टिक की खपत 2022 तक बढ़कर 20 किलोग्राम हो जाएगी, जबकि वैश्विक औसत लगभग 28 किलोग्राम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 56 लाख टन सालाना प्लास्टिक कूड़े पैदा होता है। भारत में जितना भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उससे आधा तो पैकेजिंग के कारण आता है और यह एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला होता है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हालांकि कई राज्यों ने पहले ही प्लास्टिक के थैले बंद कर दिए, लेकिन प्रतिबंध का पालन करवाने की व्यवस्था बहुत ढीली ढाली है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में पूरे ठोस कूड़े का लगभग 8% केवल प्लास्टिक ही होता है और चिंता का विषय बना हुआ है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले थैलियों पर भी प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लग गया था, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आज भी चल रही है। महासागरों में प्लास्टिक का कचरा होने की जानकारी तो पहले से ही थी, लेकिन अंटार्कटिका जैसी इंसानी आबादी से दूर, यानी कि यहाँ इंसानी आबादी नहीं रहती है, से दूर दराज के इलाकों में प्लास्टिक का पाया जाना नई बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ भी प्लास्टिक पहुंचने का मतलब हुआ कि इससे अंटार्कटिका का पर्यावरण भी प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बढ़ने वाले तापमान से पहले ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा इंसानी गतिविधियां भी काफी बढ़ गई, इसलिए ऐसी संभावना है कि किंग जॉर्ज द्वीप के आसपास का इलाका पूरे अंटार्कटिका के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक हो जाए। तो ये थी आपकी प्लास्टिक प्रदूषण की बात। आप भी कम ही यूज कीजिए प्लास्टिक, ठीक है? आप भी थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं।